गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ बताओ। मैडम, आ रही। आ रही है? ठीक है। हेलो हाँ बोलो विकास। मैडम, एक्चुअली पिछली बार भी आपको मैंने पूछा था, SICI का डाउट था मेरा, तो हाँ उसमें कैसा अभी मैंने मतलब टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें कुछ 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो उसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया था उसको समझ में नहीं आया था, तो उस क्वेश्चन 5 to 6 चलेगा था। अभी आप बताओ, आपका CI हो गया क्या? पहले लेक्चर हाँ, लेक्चर हो गया। हो गया? आपने अटेंड किया है CI? SICI दोनों अटेंड किया है? हाँ किया। अच्छा, लास्ट टाइम जब डाउट सेशन हुआ था तब मैंने दो क्वेश्चंस कुछ था वो मैंने लिया था CI का, वो आपका था या नहीं पता नहीं, लेकिन CI का मैंने दो क्वेश्चंस लिया था लास्ट टाइम जब भी डाउट सेशन हुआ था तभी। ये लास्ट टाइम मैंने नहीं दी है। नहीं दिया था? अच्छा, अभी CI का आपने आपने दी घटकों पर से हो ना, मतलब छुट्टी मैम को सेंड किया है आपने? वही मैं पूछ रहा था कि 5 to 6 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। अभी नहीं ले पाऊंगी फिर मैं, या तो आपको डाउट तो मैं बाद में सेंड मतलब सॉल्व करके बाद में दे दूंगी, या तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाउट सेशन होगा तब ले लूंगी। तो मैं वो तृप्ति मैडम को भेज भेज के रखूँ क्या? हाँ अभी भेज दो भेज दो। चलो कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट सेंड किया है, उसमें से जितना होगा उतना हम ये लेक्चर में सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन वन, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 2:3। दी शॉपकीपर अलाउस सक्सेसिव डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ 11 1/9% एंड 10% ऑन टेबल। इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न एंड डिस्काउंट गिवन इज ₹200, देन फाइंड दी मार्केट प्राइस ऑफ दी टेबल। डाउट सेशन के क्वेश्चन है। क्या लास्ट सेशन के? नहीं नहीं, डाउट्स के क्वेश्चन है क्या ये? डाउट्स के है, डाउट सेशन अभी चल रहा है ना, डाउट्स के होंगे। नेहा एंड काजल, आप न्यू स्टूडेंट हो?
बताओ। यस हाँ हाँ आपका फर्स्ट लेक्चर है काजल नेहा? हाँ मेरा सेकंड है, कल का और आज का ही। अच्छा कल का था, ओके ठीक है। सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी, सब लोग ट्राई करो। किसी का आंसर आया? ट्राई करो सब, आपको दो डिस्काउंट्स दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो दिया है आपको, और डिफरेंस किसका दिया है? प्रॉफिट और डिस्काउंट, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा एक्चुअल डिस्काउंट होगा उन दोनों का डिफरेंस है आपके दिया है, और पूछा क्या है? मार्केट प्राइस पूछा। आंसर आया किसी का? चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस, ये है सीपी, ये है एमपी, कितना दिया है? 2:3, ठीक है, ये रेशियो है। तो इसको अजम्पशन हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर 2 और 3 है, इसको 200 और 300 मान सकते हैं, वो कोई गलती नहीं होगा, गलत नहीं होगा अगर 200 300 मानेंगे, ठीक है, वैसे चलेगा। आगे देखो, द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, कितना कितना दिया है? पहले दिया है 11/9%, सेकेंड है 10%। तो जो हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं बताओ, डिस्काउंट किस पे आता है बताओ, जिनका हुआ है उनको तो आना चाहिए, डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्केट प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट, सही, मतलब हमारा मार्केट प्राइस, हमारा अजम्पशन क्या है मार्केट प्राइस का? 300, उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि पहले जो डिस्काउंट है वो है 11/1/9%, तो पहले हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देंगे जो कि 11/1/9% है, तो वो जितना डिस्काउंट आएगा वो माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से, तो जो बचेगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस।
लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो बचा हुआ वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि और एक डिस्काउंट है तो उसका भी 10% आएगा, वो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या, ये जो 300 है, सबसे पहले 300 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। मतलब 300 इंटू क्या करेंगे, 11/9% का फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? 1/9 है, ठीक है, मैंने लिख दिया 1/9। तो ये 1/9 करेंगे तो डायरेक्टली पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने से अच्छा हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। मतलब 300/9 ये क्या मिल जाएगा, ये होगा पहला फर्स्ट डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट मिलता है वो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद ही हम दूसरा डिस्काउंट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। मतलब जो आएगा 10% वो 300 के ऊपर नहीं आएगा, जो पहला हमें डिस्काउंट दिया है कितना भी परसेंटेज होने, तो पहला जो डिस्काउंट दिया है वो निकाल देंगे, वो माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से। तो जो बच्चे का वैल्यू उसके ऊपर ही हमें सेकेंड डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो 300 माइनस क्या होगा, 300/9। तो ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 9 × 3 = 2700 हो जाएगा, माइनस ये जो 300 है वो आएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2400/9 बचेगा। क्या किया, बस माइनस किया है, ये क्या है 300, ये है मार्केट प्राइस, माइनस क्या किया है, जो डिस्काउंट है वो माइनस किया। तो ये जो बचेगा वो भी इनडायरेक्टली मार्केट प्राइस ही है, क्योंकि यहाँ पे दो डिस्काउंट है, तो इससे हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस नहीं ले सकते जब तक हम पूरा का पूरा डिस्काउंट माइनस नहीं कर देते। तो अभी जो हमारा नया मार्केट प्राइस बन गया वो क्या हो जाएगा, 2400/9, क्योंकि सेकेंड हमारा जो परसेंट है डिस्काउंट का वो भी बाकी है, ठीक है। तो अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे 10% वो किस पे होगा, 300 पे नहीं होगा, 2400/9 उसके ऊपर होगा। तो ये हो गया, ये जो लिखा है यहां से यहां तक ये है फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए भी करना पड़ेगा, सेकेंड के लिए करो, सेकेंड डिस्काउंट के लिए, मतलब 2400/9 × 10% लिख दो या 1/10 लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये आ जाएगा 1/10, मतलब 0 0 कैंसिल, मतलब 240/9। ये क्या हो गया डिस्काउंट, लेकिन ये है सेकेंड डिस्काउंट, ये है सेकेंड वाला डिस्काउंट, लेकिन वो माइनस करना पड़ेगा हमें मार्केट प्राइस में से। मतलब मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देते, ठीक है। तो 2400/9 माइनस 240/9, डायरेक्टली माइनस करना है। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो ऊपर का जो वैल्यू है माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, क्योंकि नीचे वाला जो 9 है वो सेम है, तो वो एक ही बार लिख देंगे हम। 2400/-240 करना है, कितना बचेगा यहाँ पे, 2160 बच गया, ठीक है, 2160 बच गया। अबे इससे देखो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या डायरेक्टली, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। देखो हो रहा है क्या, 9 × 2 होगा 18, कितना बचेगा 3, 9 × 4 होगा 36 और 0 0, ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये मिल गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस 240 मिल गया, ठीक है। अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस का रेशियो है, और ये जो मिला है वो क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अभी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 200 है, ठीक है। ये सॉरी ये एक्चुअल नहीं है, सॉरी ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि ये जो निकाला हमने इन दोनों में से निकाला, तो वो एक्चुअल नहीं है। कॉस्ट प्राइस मिल गया, मार्केट प्राइस मिल गया और सेलिंग प्राइस मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीपी एसपी एंड एमपी। कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस कितना है, 240 है, अभी हमने निकाला 240, मार्केट प्राइस है 300, ठीक है। अभी बताओ हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए इन दोनों का, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 40 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये मिल गया प्रॉफिट,
और हमारा डिस्काउंट कितना होगा? 300 माइनस 240 मतलब 60 हो जाएगा डिस्काउंट। अभी ये जो वैल्यू है वो सब रेशियो में वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें एक ही दिया है, वो क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इज 200, मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस दिया है, तो हमारा प्रॉफिट और डिस्काउंट का दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 और 60 का 20 आ रहा है। तो ये जो 20 है रेशियो का वैल्यू, उसी का ही एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया है? 200। मतलब 20 का वैल्यू किसके बराबर है? 200 के बराबर। और मार्केट प्राइस पूछा है, मार्केट प्राइस क्या था? 300। तो 20 का वैल्यू अगर 200 है तो 300 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 20, 00 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, मतलब 3000 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये है मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था वो मेंस में आएगा, आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। ये जो किया हमने वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आएगा वैसे। किसी को डाउट है बोलो। ऐसे क्वेश्चंस आप सबको आना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेंस का क्वेश्चन है, इजी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम हो लगेगा लेकिन कर लोगे। बोलो किसी को डाउट है या नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट, हाँ मैम। सबका हो गया लिख के? हाँ मैम। अच्छा ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 102500 इज इन्वेस्टेड अंडर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट
एट द रेट ऑफ 1/4, 14% the interest obtained on the sum after a certain time was ₹30709. Find find the time टू इयर्स है, ठीक है। कैसे किया आपने? किसका है अभी 2 इयर्स? मेरा। अच्छा, कैसे किया भाई? दवी डायरेक्ट किया? हाँ मैम, डायरेक्ट करके देखा आपने? और किसी का? बाकी सबका बताओ। देखो सिंपल, अगर आपका सीआई हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? पहले को 14% आपको पता है, ठीक है? ये इसको जाने दो, पहले 14% है इंटरेस्ट, वो तो हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। पूछा है सीआई, ठीक है, सीआई पता है, लेकिन कितने इयर्स का वो ढूंढना है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पहले ही साल का तो निकाल सकते, क्योंकि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमारे पास प्रिंसिपल भी है, तो उसके ऊपर पहले पहले साल का निकाल दो,
वो अगर पहले साल का ये इसके बराबर है तो हो गया 1 ईयर, अगर पहले साल का नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर का भी पहला जो लिखते हैं हम ऊपर लिखते हैं वो तो सेम ही आएगा, लेकिन इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वैसे आपको करके देखना पड़ेगा तो भी इजिली हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से जाओगे, ऐसे मेथड से जाओगे तो जल्दी होगा, फॉर्मूला से जाओगे तो टाइम लगेगा वहां पे, इसीलिए पहले आपको 14% निकालना पड़ेगा। 102.00 ये हमारा प्रिंसिपल है, उसके ऊपर 14% निकालो, फर्स्ट ईयर का होगा, सेकेंड ईयर में भी 14% निकालना। प्रिंसिपल कितना है 102.00, ठीक है। फर्स्ट ईयर का निकालोगे, फर्स्ट ईयर मतलब 102.00 का 14%, 102.00 14%, मतलब डायरेक्ट 00 कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 14 से, यहाँ पे आएगा 14,350 आ रहा है। हाँ हाँ हो सकता, सही है सही है। ये हो गया 14,350 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का भी तो सेम ही आएगा 14,350, और सेकेंड ईयर में इसका इंटरेस्ट आएगा, मतलब फिर से 14,350 का 14%, मतलब ये 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 2009। इन सबका एडिशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा 30,000, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 0, 7, 8, 13। सही है, ये तो 2 साल का ही हो गया ना, डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर्मूला से जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आपको पहले साल का निकालना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा, और ये जो है इसका निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऐड कर दो 30,709 हो जाएगा। अच्छा देखो, पहले क्या किया, आपका नहीं हुआ है ना देवंती, आपका सीए हुआ है? नो मैम, नहीं हुआ है। अच्छा, पहले क्या किया हमने, यहाँ पे जो सीए होता है ना उसका मतलब होता है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ये जो दिया है ना अमाउंट ऑफ 102.00, तो ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। उन्होंने सीआई दिया है कि हमें सीआई निकालना है, लेकिन हमें
ये गिवन है कि जो सिया है वो है 30709 और हमें पूछा है टाइम, मतलब कितने साल का सिया है, ये जो वैल्यू है वो सीआई का आया लेकिन कितने साल का है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो हमने पहले क्या किया, ये जो 102500 है इसका 14% आएगा, तो ये इसका 14% कितना आया, 14300। सेम सेकेंड ईयर में भी होगा 14750, जैसे यहाँ पे किया था वैसे सेकेंड ईयर में भी तो इंटरेस्ट आएगा ना, जितना इंटरेस्ट निकाल सकते उतना निकालना है, बस ये वाला वैल्यू होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सबका एडिशन होना चाहिए ये वैल्यू 30709। तो यहाँ पे 14 आएगा, ये भी तो 14350 आ गया, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का आ गया। लेकिन सीआई में क्या होता है, इसके पहले जो इंटरेस्ट आया होगा उसका, ये जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसका भी 14% निकाला, तो वो कितना हो गया, 2009 हो गया, 2009। इन सबका फिर एडिशन कर देंगे, इन सबका एडिशन किया कितना आया, 30709, मतलब हमें तो सीआई यही चाहिए था, तो ये आ गया सीआई। तो वो कितने साल में आ रहा है वो पूछा उन्होंने, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दो साल में आ रहा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो भी सेकेंड ईयर में ही आया है, ये दो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में आया है, ये जो इंटरेस्ट है ये फर्स्ट ईयर में आया, तो फर्स्ट और सेकेंड दो साल का इंटरेस्ट है ये। तो उन्होंने वो ही पूछा जो आपको इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो वो कितने टाइम का है, ये वाला वैल्यू कितने टाइम में आएगा, मतलब कितना ईयर्स होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 ईयर्स होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल के हमें दिखा यहाँ पे देखना पड़ेगा, चलो रफ कर दो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, देन ए एक्स मोर एफिशिएंट देन ए, बी स्टार्टेड द वर्क and do it for x days and then b is replaced by a, a completed remaining work in x plus 8 days, ratio of work done by A and B is 3:2, in how many days A and B working together complete whole work.
मैम नहीं समझ रहे। नहीं समझा? हाँ नहीं समझा। क्वेश्चन समझा या नहीं समझा? नहीं नहीं, बाकी सब मैम नहीं समझा। क्वेश्चन नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं समझा या कैसे करना है वो नहीं समझा? वो बोला कैसे करना ये नहीं समझा। अच्छा आपको पहले पहले बताओ एफिशिएंसी दिया है या नहीं क्वेश्चन में, ये बताओ बताओ एफिशिएंसी आपको क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया? दिया है। अच्छा ठीक है, और क्या दिया है? ये जो रेशो है वो किसका रेशो है? ये किसका रेशो बताओ, ये जो दिया है 3:2। ए एंड बी का किसका रेशो है? वर्क डन बोला है, वर्क। ठीक है, मतलब दोनों ने पहली बार तो सेम वर्क नहीं किया। अगर वर्क होगा वो तो एक होगा, लेकिन दोनों ने अलग अलग वर्क किया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बताओ एफिशिएंसी क्या आएगा ए और बी का? एफिशिएंसी क्या है? 100 दोनों का 100/120। अच्छा वैसे बी इज 20% मोर एफिशियंट देन ए, मतलब अगर ए 100 है तो बी क्या हो जाएगा? 20% मोर एफिशिएंट, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, 0-0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, मतलब एक्चुअल एफिशिएंसी का रेशियो जो है हमारा वो क्या है, ए एंड बी का 5:6। ठीक है, ये मिल गया, एफिशिएंसी मिल गया। अभी उन्होंने बोला है कि बी ने स्टार्ट किया है, बी ने काम करना स्टार्ट किया, बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज। ठीक है, तो हमें अगर वर्क नहीं पता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि x ही एज्यूम करना है आपको। ठीक है, तो वैसे ही जाएंगे, मतलब हम पहले क्या करते हैं, डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क करते। ठीक है, अभी वर्क नहीं पता लेकिन जितना पता है उतना लिखते जाओ। b स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर x डेज, तो डेज में क्या आएगा, b ने स्टार्ट किया है तो बताओ x आएगा, क्योंकि उन्होंने x दिया है तो हम भी x ही लेंगे। इंटू b का एफिशिएंसी कितना है, B का efficiency 6 है, ले लिया 6, तो क्या हो जाएगा वर्क 6x हो गया। ठीक है, मतलब 6x वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम बाकी है। एंड देन B इज रिप्लेस्ड बाय A, मतलब B चला गया, B के जगह पे अभी कौन आएगा, A आएगा, वही काम करने जो जितना बाकी है काम। A completed remaining work, मतलब जितना बचा था, ठीक है, बी ने कुछ काम किया होगा, टोटल काम में से बी ने काम किया है, ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है वो ए ने अकेले ने कंप्लीट कर दिया, कितने डेज में, एक्स प्लस 8 डेज। तो यहाँ पे डेज के यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस 8 लिख दोगे। ठीक है, डेज यहाँ पे आ गया, एफिशिएंसी कितना है ए का, 5 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × x प्लस 8 × 5 = 40। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये जो है वो ए ने काम किया है, ये जो है वो बी ने काम किया है, ये वर्क है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आया है वो वर्क है। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2। हमें तो रेशियो दिया है, जो ए ने और बी दोनों ने जो काम किया है, वर्क किया है, उनका रेशियो दिया है, तो यहाँ पे लिख दो ऊपर ए, नीचे लिख दो बी। ठीक है, ए ने कितना वर्क किया है, हमारे हिसाब से कितना किया है, ए ने देखो 5x + 40 किया है, तो ऊपर लिख देंगे हम 5x + 40 डिवाइडेड बाय, बी ने कितना वर्क किया है, 6x, तो नीचे लिख दो 6x, और उन्होंने उसी का ही रेशियो बोला है जो दोनों ने सेपरेट सेपरेट काम किया है। वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2, तो ए का है 3, तो ऊपर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे हमें मिलेगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मिल गया तो सब वैल्यूज मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5x, मतलब यहाँ पे होगा 10x
5 × 2 10x + 40 × 2 80 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पे आ जाएगा 18x 10x, यहाँ पे जाके माइनस होगा, मतलब 8x का वैल्यू क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, ठीक है, ये 10 मिल गई। अभी पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अच्छा, टुगेदर का निकालने के लिए हमारे पास दो एफिशिएंसी है, हमें किसकी जरूरत है, हमें तो डेज निकालना, मतलब अभी हमें किसकी जरूरत है, वर्क की जरूरत है, वर्क मिल गया तो सब निकल सकता है, तो वर्क चाहिए अगर हमें, तो इन दोनों का एडिशन मतलब ही वर्क था ना। वर्क तो कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया वर्क, यहाँ पे अगर दोनों का एडिशन कर दोगे टोटल वर्क मिल जाएगा, वैसे भी एक्स का वैल्यू तो हमारे पास है, तो दोनों का एडिशन कर दो, अगर ये वर्क है तो टोटल वर्क भी मिल जाएगा 6x, मतलब क्या हो जाएगा, या तो एडिशन कर दो यहाँ पे 6x + 5x + 40 कितना होगा 11x + 40, 11 इंटू क्या होगा, x का वैल्यू 10 आया था, यहाँ पे आएगा 10 + 40, तो यहाँ पे 110 + 40 हो जाएगा, मतलब 150 मिल जाएगा हमें टोटल वर्क, वर्क मिल गया टोटल, ठीक है। एफिशिएंसी दोनों का है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों का एफिशिएंसी कर दो, क्या मिल जाएगा डेज, तो 150 हमें डेज चाहिए, तो डेज का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क है 150। एफिशिएंसी दोनों के बारे में पूछा तो दोनों का एडिशन आएगा कितना होगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1 होगा 11, हमें फ्रैक्शन में निकालना है, पॉइंट में नहीं, कितना बचेगा 40, 11 इंटू 3 हो जाएगा 33, कितना बचेगा 7, नीचे जो 11 है वो एज इट इज आएगा, मतलब 13 7 बाय 11 डेज, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आपको मिल सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 7 बाय 11 डेज। मैम एक्सप्लेन कीजिए ना, कौन सा लास्ट बोल रहा, ये 13 वाला 13 7 बाय 11, हाँ अच्छा, ये देखो 11 से मल्टीप्लाई हाँ। करना है, ठीक है, 11 के टेबल में 15 तो नहीं आता, 15 से पहले क्या आएगा 11 आएगा, तो यहाँ पे वो 1 लिख दिया मैंने, 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, तो 15 माइनस 11 कर दोगे कितना बचेगा 4, वो 4 देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, मतलब 40 हो जाएगा, 11 के टेबल में 40 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा 33 आएगा, मतलब 11 इंटू 3 करोगे तो 33 आएगा, 40 में से 33 माइनस कर दो कितना बचेगा 40 माइनस 33 7, तो वो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे 11 है वो एज इट इज लिखना है, मतलब 13 7 डिवाइडेड बाय 11 डेज, ठीक है, डायरेक्टली 11 से डिवाइड करना है, बस पॉइंट में नहीं होना चाहिए, जो बाकी होगा वैल्यू लास्ट पे वो ऊपर आएगा, 11 डिवीजन में तो 11 डिवीजन में। ओके मैम,
किसी को डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनीता एंड अनीता, वर्किंग अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 and 12 days. If Sunita and Anita, Kavita do it together, can do it in 4 days. Then, in how many days will Kavita do it alone? चलो ये आना चाहिए, ऐसा लिया है क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी, सबको आना चाहिए. हेलो बताओ. ऐसा क्वेश्चन लिया है ऑलरेडी.
बताओ घाटक गए, इजी क्वेश्चन है, ऐसा लिया है मैंने, ध्यान से पढ़ो। वैदवी आया? सुनीता अनीता वर्किंग अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 and 12 days। तो सुनीता मतलब एस आएगा यहाँ पे 8 days, ए आएगा 12 days। इफ सुनीता अनीता कविता मतलब तीनों के तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो कितने डेज में होगा? 4 days में। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा बताओ? 24 आएगा, सही है 24। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। अभी S, A एंड K में से अगर ये 6 है, उसमें से S एंड A 5 है, तो K कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए K का एफिशिएंसी? 1 ही होना चाहिए ना? क्या आएगा फिर आंसर? 24। तो क्यों नहीं आया? कविता का पूछा था एस ए के में से अगर एस ए के 6 है, उसमें से एस एंड ए 3 + 2 = 5 है, तो 6 - 5 जो बचेगा वो कविता का ही होगा, क्योंकि ये जो एस एंड ए है यहाँ पे है ऑलरेडी, उनका एफिशिएंसी पता है, तो 1 ही बचेगा। तो 24 / 1 कर दो, 24 days ही आएगा, और कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था ये।
टाइम एंड वर्क जो लिया था मैंने वहां पे, सेकंड जो क्वेश्चन है सेम टू सेम टाइप है, जो सेकंड क्वेश्चन था सेम टाइप था, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ट्वेंटी फोर तो नहीं, सबसे पहले एलसीएम ही तीनों का बड़ा आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा एलसीएम तीनों का भी। एलसीएम जो मैंने मेथड बताया था उस मेथड से जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो आपको वो मेथड से जाना पड़ेगा। एलसीएम ही बड़ा वैल्यू आएगा, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन लिया था वैसे ही करना है, जहाँ पे ए बी था, बी एंड सी था, ए एंड सी था, तो उसके बाद ए बी बी सी एंड ए सी से कैसे जाना ए बी सी में, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद आएगा। अच्छा किसी का एलसीएम आया वो बताओ, फिर एलसीएम आया किसी का 18, 27 and 36 कितना आया? 216 आंसर है या एलसीएम है? एलसीएम है, एलसीएम 216 आया है पक्का? 216 तो नहीं लग रहा है, 81 भी नहीं आएगा। ऐसे उनका जो मेथड बताया था आपको, जैसे बॉक्स ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, तो आपको वही मेथड से जाना पड़ेगा यहाँ पे। एलसीएम का मैंने मेथड किसे बताया था, अगर आपको तीन वैल्यूज का चाहिए तो वो वैल्यूज लिख दो, जैसे 18, 27 and 36 इन तीनों का एलसीएम चाहिए, ठीक है लिख दो तीनों का तीनों। अभी देखेंगे हम तीनों का तीनों ऐसा कौन सा वैल्यू है जिससे तीनों का तीनों डिवाइड होगा, बताओ कौन सा वैल्यू है ऐसा, बोलो क्या आएगा वैल्यू, तीनों का तीनों डिवाइड होना चाहिए, क्या होगा? 9 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है 9 ले लो, चलो 9 इंटू 2 होगा 18, 9 इंटू 3 होगा 27, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, ठीक है। अभी ये 3 डिवाइड नहीं होगा किसी से, लेकिन ये 2 तो 2 से हो जाएगा, मतलब 2 लोगे आप यहाँ पे 2 इंटू 1, 3 तो एज इट इज आएगा 2 इंटू 2। अभी ये जो 3 एंड 2 बचा है वो भी तो लेना पड़ेगा, 3 एंड 2 एज इट इज लेके लिख देंगे हम, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 9 54, 54 इंटू 2 क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, मतलब हमारा एलसीएम यहाँ पे आएगा 108। 18 किसके लिए बोला है, नितेश एंड पवन के लिए, मैम आंसर 216 आ। अच्छा आप भी तो आपका एलसीएम बोला ना आपने 216 आ रहा है, मैम वो एलसीएम भी सेम ही आ रहा है, एलसीएम भी सेम आ रहा है और आंसर भी वही आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, आंसर तो सही, आंसर सही है, वेरी गुड सही। पी एंड एस है 27, एस एंड एन है 36, तीनों का एलसीएम यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी 18 यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4,
यहाँ पे शायद नहीं, थ्री हो, ठीक है, ये हमें एफिशिएंसी मिल गई। अभी सबका जो एफिशिएंसी है, यहाँ पे नितेश एंड पवन का है, यहाँ पे पवन एंड सुमित का है, यहाँ पे सुमित एंड नितेश का है। हमें सबसे पहले तीनों का सेपरेट चाहिए, मतलब नितेश, पवन एंड सुमित का चाहिए। तो क्या कर देंगे, सब देखो दो दो बार रिपीट हो रहा है, सब जगह पे दो दो बार रिपीट हो रहा है, तो दो बार रिपीट हो रहा है, हमें कितने टाइम चाहिए, सिंगल टाइम, मतलब पहले सबका एडिशन कर दो, कितना होगा एडिशन, 13 एडिशन है, लेकिन हमें डबल नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, तो क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय टू कर दो, ये मिल जाएगा हमें सबका वैल्यू, ठीक है। अभी हमें तो सुनीत का चाहिए, ठीक है, मतलब एस का चाहिए, अभी तीनों का आपके पास है, ठीक है, हमें चाहिए सुनीत का, तो सुनीत यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो नितेश एंड पवन है, तो नितेश पवन एंड सुनीत में से नितेश एंड पवन माइनस कर दो, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 कर दो यहाँ पे, या तो डायरेक्टली ये डिवाइड करके ले लो, ये भी वैसे भी चलेगा, ये होगा 6.5, ठीक है, ये जो होगा 6.5 माइनस 6 कर दोगे, क्योंकि नितेश पवन एंड सुनीत में से नितेश एंड पवन अगर माइनस करते हैं तो हमें तो सिर्फ सुनीत चाहिए, मिल जाएगा सुनीत, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस कर दोगे तो यही बाकी रहेगा और हमें यही चाहिए, तो यहाँ पे 6.5 माइनस 6 कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो 0.5 क्या कर दोगे, 108 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये जो अगर पॉइंट हटाना है तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं, तो डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाय 5 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 होगा 5, 30 बचेगा, 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, मतलब 216 हमें मिल जाएगा। सुनीत सेम ये जो 108 वर्क है वो कितने डेज में करेगा, 216 डेज, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन लिया था वैसे ही टाइप का है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा बड़ा वैल्यूज है तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये मेथड से जाओगे तो आपका एग्जैक्ट एलसीएम आएगा, उससे आपको तीनों का एलसीएम, तीनों का जो एफिशिएंसी है वो मिल जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी ऐड करने के बाद, वो तो रिपीटेड है, हमें तो सिंगल टाइम चाहिए, क्या करोगे, सबका एडिशन 30 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.5। तो जैसे ही अगर यहाँ पे सुनीत का पूछा इसलिए हमने माइनस किया एनपी का, ठीक है, अगर हमें पवन का पूछा होता तो हम एनपीएस में से क्या माइनस करते, एनपीएस माइनस क्या करते, पवन का पूछा है तो बताओ, पवन का पूछा होता कि पवन एक डेज में मतलब कितना टाइम लेगा, कितना डेज लगेगा, एनपीएस में से क्या माइनस करते, पवन का चाहिए तो सुमित का माइनस कर देते, क्या बचता, पवन बच जाता, मतलब एनपीएस 6.5 है, एनएनएस माइनस कर दे, मतलब ये वाला 6.5 माइनस 3.5 बच जाता, तो वैसे हमें पवन का मिल जाता। वैसे आप नितेश का भी करोगे, एनपीएस में से क्या माइनस कर दोगे, पीएस माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा एन का वैल्यू, यहाँ पे 6.5 में से क्या माइनस कर दोगे, पीएनएस मतलब 4, तो कितना बचेगा 2.5, तो 2.5 एफिशिएंसी किसका होगा, एन का होगा, वैसे ही करना सबका। एक सेकेंड 13 डिवाइडेड बाय 2
लिख के हो गया सबका, रफ कर दो ना। यस मैम। x plus 5 by 2 plus 1 1 by 4 equals to 1 1 by 8 plus 2 5 by 2 plus 7 1 by 4. चलो सब ट्राई करो। ऑप्शन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 71/8, 73/8, 65/8, 63/4 एंड 71/8, ये सब ऑप्शन। ऑप्शन नहीं दिख रहा। चलो सब ट्राई करो। वेरी गुड निकिता, सही है, वेरी गुड। 73/8, वेरी गुड वैधवी। चलो बाकी सभी बताओ।
टाइम वेरी गुड हर्षल, सही है। चलो यहाँ पे क्या करना है, पहले ये जो एक्स है एज इट इज रख दो, ये जो दो है यहाँ पे लेके जाओ, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये वाला माइनस फाइव बाय टू आएगा ये, और ये जो है ये हो जाएगा माइनस वन वन डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बन गई, ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बाकी रहे। ठीक है, मैंने बस कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे था, यहाँ पे निकल गई तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं होगा। अभी ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम सबका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे सबका एलसीएम देखो एट टू फोर टू एंड फोर, सबका एलसीएम क्या आएगा बताओ, टू फोर एंड एट, एलसीएम क्या आएगा, एट आएगा। ठीक, अभी यहाँ पे जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये सेपरेट वैल्यू है, तो इसको क्या करते हैं हम सेपरेटली प्लस माइनस कर देते हैं, मतलब वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस सेवन टेन हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं लेंगे हम, टेन हो गया यहाँ पे, टेन माइनस वन कितना बचेगा नाइन, यहाँ पे लिख दो नाइन। ठीक है, मतलब ये जो सेपरेट जो वैल्यू लिखा है वो सब निकल गया, उसका हमने प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है उसको देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें ये 8 जो है एलसीएम मिलेगा, मतलब 8 इंटू 1 करेंगे हमें 8 मिलेगा, मतलब वो जो इंटू 1 है ऊपर लिख देंगे इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है प्लस, ये जो 2 है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 4 बाकी होगा, जो 4 है जो बाकी रहेगा, मतलब 2 इंटू 4 होता है 8, तो वो जो 4 है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर से प्लस है, फिर से देखो 4 है, तो 4 इंटू 2 होगा 8, तो ऊपर क्या कर देंगे इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 है, 2 इंटू 4 होगा 8, तो ऊपर क्या कर देंगे इंटू 4, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, फिर से माइनस आएगा। अभी नीचे 4 है, मतलब 4 इंटू 2 होगा 8, तो ऊपर क्या कर देंगे इंटू 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो लिख दो 2। ठीक है, अभी वैल्यूज आ गए हमारे पास, अभी 9 तो एज इट इज रहेगा, इन सब में करना है प्लस माइनस 20। अभी ये जो प्लस 2 है माइनस 2 है वैसे भी कैंसिल होगा, डायरेक्टली कैंसिल कर दो। ठीक है, 20 प्लस 1 21 होगा, या तो देखो यहाँ पे प्लस 20 है, यहाँ पे माइनस 20 है, ये भी क्या हो जाएगा डायरेक्टली माइनस 1 बाय 8 रहेगा, तो यहाँ पे बच गया है 9 1 बाय 8। अभी ये हमें ऐसे वैल्यू में नहीं पूछा है, हमें तो डायरेक्टली नॉर्मल फ्रैक्शन जो होता है वैसे पूछा है, तो क्या कर देंगे 9 इंटू 8 कितना होगा 72 प्लस 1 73 डिवाइडेड बाय 8, आ गया हमारा आंसर 70 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट है बोलो, Thank you.
the amount invested by P and Q is in the ratio of 2:3 and that invested by P and R is 5:7. If the profit earned by P at the end of the year is ₹76 less than that earned by R, find the profit earned by Q. बताओ किसी का आंसर आया? पी क्यू पी आर का रेशियो दिया है सेपरेट तो रेशियो चैप्टर तो हमारा हुआ है, उसमें मैंने बताया पी क्यू आर का कैसे निकालेंगे रेशियो, तो उसे डायरेक्टली कंपेयर करना है, कुछ बचेगा ही नहीं। प्रॉफिट जो अर्न हुआ है हमें तो टाइम दिया ही नहीं, टाइम गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे मंथ गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली जो हमारा रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा।
देखो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी एंड क्यू, तो हमें पी एंड क्यू के बारे में रेशियो दिया है और किसके बारे में दिया है, पी एंड आर। अभी पी एंड क्यू और पी एंड आर में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, पी है, तो उसे हम क्या कर देंगे, मिडल में लिख देंगे, क्योंकि जैसे रेशियो में करते थे दो रेशियो का अगर एक ही रेशियो बनाना है तो जो रिपीट हो रहा है वो मिडल में लिख दो। पी यहाँ पे आएगा क्यू और यहाँ पे आएगा आर, ठीक है। अभी ये जो भी रेशियो हमें यहाँ पे दिया वो इन्वेस्टमेंट का है, मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। P एंड Q का रेशियो है 2:3, मतलब P का कितना है 2 है, Q का है 3, ठीक है, 3:2 हमें मिल गया रेशियो इन्वेस्टमेंट का। P एंड R का कितना है 5:7, तो P का है 5 और 7 है R का, और ये जो 2 है डायरेक्टली एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, ये जो 5 है एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, तो हमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल और प्रॉफिट तीनों का रेशियो मान लो, तो उसका रेशियो मिल जाएगा डायरेक्टली, क्या करोगे 3:5 ये हो जाएगा 15, 5:2 10 हो जाएगा, 7:2 14 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है पी को जितना भी प्रॉफिट मिला है एट द एंड ऑफ द ईयर वो 75 लेस देन, मतलब डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, लेस देन मोर देन मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो दोनों का डिफरेंस दिया है, किसका डिफरेंस, पी और आर का, मतलब जो पी को मिला है वो आर से कितना कम मिला है, 76 कम मिला है। तो यहाँ पे हमारा पी और आर दोनों का क्या कर देंगे, डायरेक्टली डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस दान बोला है, लेस दान का मतलब डिफरेंस होता है, बहुत बार बोला है मैंने, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसका डिफरेंस लेंगे 4, तो 4 का जो वैल्यू है, जहाँ पे 4 रेशियो का वैल्यू आ रहा है उसी का ही एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है 76, मतलब 4 की वैल्यू है 76, और क्या पूछा है क्यू के बारे में, तो क्यू का रेशियो में वैल्यू कितना आया 15, तो 4 की वैल्यू अगर 76 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 90, तो 19:15 ये हो जाएगा 195 है। अभी किसका आया, मेरा, अच्छा तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं आया वैधवी, बताओ आपका क्यों नहीं आया, एक्चुअली मैंने रेशियो PQR लिया ना तो इसलिए वहां पे अटकी मैं। अच्छा लेकिन रेशियो तो बताया था ना मैंने, जो रिपीट हुआ है वो ही मिडल में लिखना है, तो वो ही मिडल में आएगा, चाहे रेशियो किसी का भी देने दो, तीनों का निकालना है तो दोनों रिपीट जो हो रहा है वो ही मिडल में लिखोगे। ओके किसी को डाउट है इसमें,
इन एन अलॉय ए एल्यूमिनियम एंड निकेल आर प्रेजेंट इन द रेशियो 4:3 and in alloy B the same element are in the ratio 3:5. If these two alloys are to be mixed, in the ratio 1:1, then find the ratio of alloy A and alloy B in the new alloy. ऐसा क्वेश्चन डाउट सेशन में मैंने लिया था, करो ट्राई करो. Five is to four, eight, nine, option दे देती हूँ, six is to seven, seven is to four, four is to seven, seven is to six, and four is to three, ये options. A and B, ठीक है, दो अलॉयज दिया है, सेपरेट 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 रेशियो, किसका रेशियो है,
एल्यूमिनियम एंड निकेल का, ठीक है। तो पहला जो ए है, मैंने क्या बोला था, चाहे पहला लो या तो बी लो, जैसे मिल्क एंड वाटर का लास्ट टाइम हमने किया था, वहां पे मिक्सर का मैंने बताया था, चाहे आप मिल्क लो या तो वाटर लो, जो आपका यहाँ पे जो रेशो पूछा है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम लो या तो निकेल लो, जो पहला दिया है वो एल्यूमिनियम का है, सेकेंड है वो निकेल का है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो हम एल्यूमिनियम से निकालेंगे, हमारा रेशो वैसे भी सेम आएगा। तो पहला जो अलॉय है उसमें एल्यूमिनियम कितना है, 4 है, ठीक है। लेकिन कितने में से, 7 में से ना, 4 + 3 = 7, तो डिवाइडेड बाय 7 भी करना पड़ेगा, मतलब 7 में से 4 क्या है, एल्यूमिनियम है। सेकेंड अलॉय में क्या दिया है, 3 है, 3 कितने में से है, 5 + 3 = 8 में से है, तो यहाँ पे 3/8 आएगा, और यहाँ पे जो न्यू अलॉय बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3:3 रेशियो आया हमारा। अभी क्या करना है, तीनों का तीनों फ्रैक्शन में आया है, तो हमें ऐसे वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो वैल्यू कैंसल होगा जो, और नीचे का वैल्यू है डायरेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो डिविजिबल होने से, होने के लिए हम क्या कर देंगे, 7 × 8। अब यहाँ पे अगर 56 लेंगे तो 7 से डिविजिबल है, 8 से देखो 56 फिर से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल होगा, कोई भी वैल्यू लो लेकिन डायरेक्टली कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 8, यहाँ पे 8 × 7, यहाँ पे हो जाएगा 26, 8 हो जाएगा ना, 28, ठीक है। 8 × 4 कितना होगा, 32, 7 × 3 21, और यहाँ पे जो 28 है एज इट इज आएगा। अभी हमें माइनस करना है, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में करेंगे, 32 - 8 कितना बचेगा, 4, 28 - 1 कितना बचेगा, 7, ये मिल गया हमें आंसर। ये है ए क्या और ये है बी क्या, क्योंकि ए और बी का ही पूछा है अलॉय का, तो 7:4 हो जाएगा डायरेक्ट। 32 - 28 4, 28 - 21 7, ऐसे जाना है। मिक्सर एंड एलिगेशन के मेथड से जाना है, ये पहले पार्ट था, ये पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, और ये है मिडल पार्ट, जो हमारा एवरेज और टोटल आता है मिडल में आएगा वो। किसी को डाउट है इसमें, बोलो, किसी को डाउट है? नहीं मैम।
और भी क्वेश्चंस बाकी है? ठीक है, ठीक है, जो और क्वेश्चंस बाकी है मैं सेंड कर दूंगी चाहिए तो आपको, या तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी। ठीक है, चलेगा स्टूडेंट्स? ओके मैम, चलो ठीक है, बाय बाय, स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाय 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 बाय।